एक जैसे जैसे पांचवें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूं, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे? अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना, आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया को बचाना है तो इंडिया